हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हमारे चल रहा है एडोब प्रीमियर प्रो, और एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आप किस तरह से एक कलर को दूसरे कलर के अंदर चेंज कर सकते हैं, किसी भी फुटेज के अंदर अलग अलग तरीके से ये काम कैसे कर सकते हैं, मैं आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल देखिए, जो टी शर्ट है उसका कलर बारी बारी से यहाँ पर किस तरह से चेंज हो रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल इस फुटेज के अंदर मैं आपको लेकर के दिखा रहा हूँ। सिर्फ आप टी शर्ट का चेंज नहीं, कहीं पर भी आपको अपने फुटेज के अंदर अगर कोई भी चीज़ का चेंज करना हो कलर, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। देखिए यहाँ पर टाइमलाइन के ऊपर वही फुटेज मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है वीडियो इफेक्ट्स के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं इमेज कंट्रोल के अंदर जो ऑप्शन है कलर रिप्लेस, उसके बाद में और मैं दूसरे ऑप्शन बाद में बताऊंगा। कलर रिप्लेस ये बहुत ही सिंपल है, इसके लिए एक तो ये फुटेज है, इसके अलावा मैं दूसरा एक और फुटेज ले आता हूँ। दूसरा फुटेज है ये कलर रिप्लेस, क्या है, सिंपली किसी भी कलर को यहाँ पर रिप्लेस करेगा। तो इसके ऊपर अगर कलर रिप्लेस को यूज लेंगे तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक कलर सेलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट किया, और कौन से कलर से रिप्लेस करना है वो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये कलर, या यहाँ से अंदर से भी कोई भी दूसरा कलर इस तरह से ले सकते हैं, और यहाँ पर सिमिलरिटी के हिसाब से इसको धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ से इस तरह से और सॉलिड करेंगे तो सिंपल पूरी तरह से वो कलर दिखाएगा, अदरवाइज इसके अंदर इसके अंदर से कलर के अंदर से बैकग्राउंड के अंदर वो जो इमेज है, फोटो है, वीडियो है, वो भी दिखाएगा। तो देखिए इसके ऊपर ये ठीक से इतना अच्छा नहीं लगा, अप्लाई नहीं हुआ। इस दूसरे जो फुटेज के ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे, ये देखिए यहाँ पर है ये फुटेज। तो इसके अंदर जैसे कि ये कलर यहाँ पर आ रहा है, ये सॉलिड कलर है, यहाँ पर पूरी तरह से इसके जो बॉर्डर है इसका, ये इसके अंदर कोई फेदर वगैरह नहीं है, ये बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रेट है, इसका बॉर्डर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, तो आसानी से दूसरी जगह पर ये नहीं जाएगा। देखिए कलर रिप्लेस इसके ऊपर लेकर के आए, और टारगेट कलर, ये टारगेट कलर, और ये चेंज हो गया इतना आसान तरीके से, तुरंत यहाँ पर चेंज हो गया। अब यहाँ से आप किसी भी कलर को सिलेक्ट करेंगे तो ये रिप्लेस इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ से आप इंक्रीज करेंगे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तब ये बैकग्राउंड के अंदर आएगा, नहीं तो बैकग्राउंड के अंदर नहीं आएगा। तो इस तरह से आप इसको यूज ले सकते हैं। सॉलिड कलर करेंगे तो वही कलर पूरी तरह से जो आपने सेलेक्ट किया वो दिखाई देगा, अदरवाइज यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर के ये आ रहा है। अब देखिए आगे मैं आपको बता रहा हूँ, ये कलर रिप्लेस हमने यूज किया। इसी तरह से कलर करेक्शन के अंदर जाएंगे, इसके अंदर भी आपको चेंज कलर और चेंज टू कलर नाम से दो ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलेंगे, चेंज कलर और चेंज टू कलर। तो हम सिलेक्ट करेंगे चेंज कलर को, इस फुटेज के ऊपर यहाँ पर लेकर के आएंगे, और जो कलर रिप्लेस था इसको हटा देते हैं। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है कि कलर टू चेंज, कौन सा आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि टी शर्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये कलर हमें चेंज करना है। अब जब आप चेंज करना चाहते हैं तो हुड ट्रांसफॉर्म जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके आप लेफ्ट राइट में जैसे जैसे लेंगे यहाँ पर कलर चेंज होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, अब देखिए ठीक से नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर मैच कलर्स का जो तरीका है वो सिलेक्ट करना होगा। यूजिंग ह्यू आप सिलेक्ट करेंगे तब यहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगा। आप यहाँ पर यूजिंग क्रोमा भी कर सकते हैं, लेकिन उसका फिर बैकग्राउंड के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। यूजिंग ह्यू मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और अब इसके अंदर आप जिस तरह से इधर उधर जाएंगे तो ये चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आप यहाँ से ये कलर तो हमने रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर देखिए कई ऑप्शन है जिसके अंदर लाइटनेस ट्रांसफॉर्म, कितना लाइट होना चाहिए, कितना डार्क होना चाहिए, और सेचुरेशन ट्रांसफॉर्म, इंक्रीज करेंगे तो कलर का सेचुरेशन बढ़ेगा, यानी कि बहुत ज्यादा सेचुरेट वो फिर होगा। मैचिंग टॉलरेंस, मिलता जुलता और कितना होना चाहिए, आप जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे कम करेंगे तो कम होगा, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा होगा। 15 बाय डिफॉल्ट है यहाँ पर। उसके बाद मैचिंग सॉफ्टनेस, थोड़ा सा आप इसको अगर सॉफ्ट कर देंगे तो सॉफ्टनेस नजर आएगी इस कलर के साथ में, जो इसका बॉर्डर होगा नजदीक का। अभी ऑप्शन है जो इनवर्ट कलर करेक्शन मास्क,
ये इनोट कलर करेक्शन मास्क है। अगर आप इसको यूज लेंगे तो अभी जैसे टी शर्ट का हो रहा है तो उसको छोड़ करके बाकी सारा के सारे एरिया यहाँ पर हाँ देखिए, बाकी जो मास्क लग गया है इनोट हो गया, तो टी शर्ट को छोड़ के बाकी सब जगह पर इसका इफेक्ट आ रहा है, लेकिन आप इनोट नहीं करेंगे तो सिर्फ टी शर्ट के ऊपर ये इफेक्ट आएगा। और यहाँ पर अच्छा ऑप्शन है दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, चेंज टू कलर सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर लेकर के आएंगे। चेंज टू कलर के अंदर फ्रॉम और टू आप दोनों कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ह्यू के अंदर तो आपको मैच करवाना होगा कि कौन सा कलर आपको लेना है कौन सा नहीं लेना है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि फ्रॉम कौन से कलर से कलर पिकर सेलेक्ट करेंगे, इस कलर को किस कलर के अंदर चेंज करना है यहाँ पर जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर पिंक सेलेक्ट कर रहा हूँ, या फिर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं ग्रीन कलर, तो ये ग्रीन कलर के अंदर आ जाएगा। आप अपनी इच्छा से यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि येलो करना है, तो इस तरह से आप इनके अंदर से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं तो चेंज किस तरह से, सिर्फ ह्यू या फिर लाइटनेस भी चेंज होनी चाहिए ह्यू के साथ में, तो ये फिर टी शर्ट गायब ही हो जाएगी यहाँ पर। और ही एंड सिचुएशन होना चाहिए या फिर तीनों होने चाहिए, तो आप यहाँ पर किस हिसाब से करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। अगर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की सिलेक्ट करना चाहते हैं जिसके अंदर जैसे कि टी शर्ट की सिलवट है, टी शर्ट का जो लुक है वो आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर फिर लाइटनेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो फिर आप ह्यू सिलेक्ट करें या फिर सेचुरेशन भी साथ में सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा कलर सेचुरेट हो जाएगा। आगे ऑप्शन है चेंज बाय, इसके अंदर शिफ्टिंग टू कलर या ट्रांसफॉर्मिंग टू कलर, डायरेक्ट आपको ट्रांसफॉर्म करना है कलर को या उसको थोड़ा शिफ्टिंग करना है, मतलब उसको वहां पर बैठाना है एक तरह से मैच करना है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होगा। शिफ्टिंग टू कलर, ये देखिए ये शिफ्टिंग टू कलर है, जिसके अंदर थोड़ी जहां पर डार्क है वहां पर डार्क आ रहा है, अदरवाइज देखिए ये जो लाइट कलर है इससे पूरी तरह से यहाँ पर थोड़ी थोड़ी लाइट ही नजर आ रही है। आगे आप देखिए टोलरेंस, ये टोलरेंस के ऑप्शन है ह्यू के लाइटनेस के लिए और सिचुएशन के लिए, आपको कितना कितना जैसे ह्यू आप बढ़ाना चाहते हैं तो कलर और ज्यादा आगे की तरफ जाएगा, और लाइटनेस के हिसाब से बढ़ाना चाहते हैं तो उसका इफेक्ट आएगा फिर, और सिचुएशन के हिसाब से बढ़ाना चाहते हैं तो उस तरह से आएगा। व्यू करेक्शन मैट, ये डायरेक्ट यहाँ पर मैट दिखाएगा कि यहाँ यहाँ पर इसने कलर चेंज किया। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, सॉफ्टनेस इसकी अगर इंक्रीज करेंगे तो ये दाने दाने ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पर, सॉफ्ट हो रहा है इसलिए, और अगर इसको कम करेंगे सॉफ्टनेस को देखिए, जैसे ही कम करेंगे तो इसका जो यहाँ पर बॉर्डर है वो सॉफ्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर कलर पूरी तरह से यहाँ पर फील हो रहा है। इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बैकग्राउंड मैंने रिमूव किया था, जो आपको एग्जांपल फुटेज दिखाया था उसके अंदर मैंने क्या किया था, अल्ट्रा की यूज ली थी, जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं की के अंदर है यहाँ पर अल्ट्रा की, तो इससे आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और ये फुटेज जो यहाँ पर रोटेट नहीं हो रहा है, एक कमेंट के अंदर मुझे ऐसे पूछा भी था किसी दोस्त ने कि किस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, तो इसको अगर करना है तो आप यहाँ पर जाएं मोशन के अंदर, और यहाँ पर रोटेशन का ऑप्शन है, जैसे 90 डिग्री करेंगे तो नहीं हुआ ये पूरा इस तरह से हो गया, तो आप 270 कर सकते हैं, ये सीधा हो गया। और यहाँ से अब इसको स्केल करना है, इस तरह से आप इसे स्केल कर सकते हैं। अब इसका रिमूव करना है तो आप अल्ट्रा की से इस तरह से रिमूव भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको रिमूव करना बताया था, जैसे कि ये इस तरह से आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर मैट क्लीनअप के चौके वगैरह खूब सारे दूसरे ऑप्शन हैं, उनको आप यूज में ले सकते हैं, और उसके बाद में आप इधर उधर लेकर के जाना चाहें यहाँ पर लेकर के जा सकते हैं। और इसी तरह से आप डबल रोल भी बना सकते हैं, जैसे एक ये हो गया और सेम इसकी मैं डुप्लीकेट कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन आप अलग अलग इस तरह से कटिंग करके एक जगह पे इस तरह से डबल रोल बना सकते हैं, बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं। और जो आपको मैंने स्टार्टिंग के अंदर अपना फुटेज दिखाया था, जिसके अंदर जो मैंने एडजस्टमेंट किए थे, वो देखिए यहाँ पर है, ये है वो वीडियो जिसके अंदर मैंने की फ्रेम बनाए हैं जगह जगह पर, और उसकी वजह से वो ये देखिए यहाँ पर ये की फ्रेम, उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर अचानक से वो इस तरह से पेनिश आप ये देखिए यहाँ पर की फ्रेम बनाए हु ट्रांसफॉर्म,
चेंज कलर मैंने यूज लिया है। फ्यूल ट्रांसफॉर्म के अंदर मैंने क्या कि जगह जगह पर दो दो की फ्रेम बनाए हैं। ये देखिए यहाँ पर है ये की फ्रेम है, यानी इससे पहले ये कलर और इसके बाद में ये की फ्रेम और आ गया, जिसके अंदर ये सेकंड कलर, फिर यहाँ पर ये कलर है। तो इस तरह से आप भी जहां कहीं पर भी इस तरह से यूज लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा हमने यहाँ पर एक से एक कलर से दूसरे कलर के अंदर चेंज किया, रिप्लेस कलर किया, चेंज टू कलर किया, कई ऑप्शन हमने देखे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही ये आप वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी सीख पाएंगे Adobe Premiere Pro और वीडियो एडिटिंग। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी मैं नए वीडियो डालूंगा उनका अपडेट आपको तुरंत नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएगा। ये सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे और चैनल के ऊपर भी मिलेगा, वहां से आप क्लिक करके सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद में आप इसकी प्रैक्टिस करें और उसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो देखें। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट Adobe Premiere Pro के ही वीडियो के अंदर। थैंक यू।